होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला, अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजर कहीं पे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? ये कैंडल डिनर का हुआ थे? अरे बोले तो रात को खाना खाते हैं ना, वो मोमबत्ती जला के। खाना खाने के लिए मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत है? रात के अंधेरे में एक बार फूंक मारने से कैंडल बुझ जाए और उसके बाद समझ गया। हमको भी जूलियट मैडम के साथ वो कैंडल डिनर करना है। तुम हमको अंग्रेजी सिखाने का क्या लोगे बोलो? ठाकुर साहब, आप अबून को खर्चा दो, अबून आपको अंग्रेजी देगा। हम भी इसलिए खिला रहे थे ससुर जी, तुमको ये ना लगे कि हमने मंगवाया ही नहीं है। ये देखो कितने मंगवाए, ये देखो अभी यहाँ पूरा बोरा पड़ा है। बाहर दो ट्रक खड़े हैं, हैं? बड़े जोर जोर से मंगवा रहे थे ना 20-20 किलो। अरे हमने कहा था ना उस सनलाइट वा को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए, फिर काय छोड़ दिए? कहा बतावा चौधरी साहब, अरे उसने हमसे कहा था कि मैं हल्का होके आ रहा हूँ, अब हमको क्या पता कि वो भाग जाएगा। अरे 2 लाख रुपए खर्चा किया था उस ससुरे पे, फिर काहे छोड़ दिया उसे? अरे चौधरी साहब, अब आप अपना आपा मत खोइए। देखो मैं उसको ढूंढ के ला रहा हूँ। अरे हमारा रिश्तेदार है, वो भाग गया है। हम आपा ना खोए तो अपना हारमोनियम बजाए? अरे जाकर ढूंढ के ला उसे, हम अंग्रेजी सीखने में जरा भी ढिलाई नहीं चाहते हैं। अरे 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 चौधरी जी, आप यहाँ चिल्ला के जिसको ढूंढने के लिए अपना गला फाड़ रहे हैं ना, वो ठाकुर के वहाँ अपना पेट फड़वा रहा है। आप बात कर रहे हो? जी हाँ, मैंने खुद देखा है, इतने फल फ्रूट खा गया कि अब उससे हिला भी नहीं जा रहा। ये देखो चौधरी साहब, हम कह रहे थे ना ये जो ठाकुर है ये आपके नाते रिश्तेदारों में नजर रखे हुए है, उनको खाना खिला के अंग्रेजी सीख लेगा और आपका पत्ता साफ हो जाएगा माल निकाल के। एक बात तो साफ है, अब तो या तो ठाकुर जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। चलो पंडित, देख कर आते हैं। बिल्कुल चलो नयन सुख। नहीं, मुझे ना ले जाइए, देखिए समझा करिए। अरे देखा तो तुमने है ना कि वो हमारे रिश्तेदार को बरगला रहा है। वो क्या है कि आप मुझे ले जाएंगे तो मुझे देख लेगा तो उसे शक हो जाएगा और न जाने तो मुझे गोली मार दे, मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे वो ठाकुर तो तुम्हें बाद में गोली मारेगा, पहले हम तुम्हें गोली मारेंगे। चलो। बता कौन है? एक तो ऐसी पतलून पहन के आया है जैसे हल्दी धोई नहीं है अभी तक, है? खुद को सूर्य प्रकाश उर्फ सनलाइट उर्फ परदेसी उर्फ बंटी भैया हैं? अरे ससुर, हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना काजू बादाम पिस्ता नहीं खाया जितना तूने एक दिन में खत्म कर दिया है। ऊपर से जब अंग्रेजी सिखाने की बात आई तो कह रहा है नहीं हमसे हिला डुला नहीं जा रहा है। ठाकुर साहब, वो केसर वाला दूध का नाम सुनते कैसे ये उठकर बैठ गया था, है? और क्या? ठाकुर साहब, आप कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून तो हमारे हाथ में। हम इसका इनकाउंटर करवा दूंगा और फिर बोल दूंगा बाद में कि ये एक 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 बहुत खुकार अपराधी था ये। हाँ, ताकि जवाबी कार्रवाई में ये मारा जाए। हम जानते थे और हमें तुम दोनों पर पहले ही शक था। तुम हमारे रिश्तेदार को मारना चाहते हो ताकि तुम अंग्रेजी सीख लो और हम जूलियट मैडम को कभी पा ना सके और उनसे शादी ना कर सके। चौधरी, अबे चौधरी, मैं यहीं पर तेरा बिलड़ कर दूंगा। बिलड़? ठाकुर साहब, बिलड़ नहीं, खून। ये अनपढ़ हुए हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तेरा यहीं पर खून कर दूंगा। हाँ, ये तुम्हारे रिश्तेदार ने 50,000 रुपए का मेरा माल साफ कर दिया है, पहले मेरा पैसा मुझे वापस करो और बाइज्जत उसको यहाँ से लेके जाओ। अरे तो हमने कौन सा कहा था कि 50,000 रुपए का उसे केसर बादाम कस्तूरी खिलाने के लिए?
अरे वो तो ठाकुर साहब इसलिए खिला रहे थे ताकि ये इससे अंग्रेजी सीख सके। लेकिन इसको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, ये अंग्रेजी कहाँ से सिखाएगा? आउट। देखो आउट भी हिंदी में बोल रहा है। बताओ। देखो मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, ये ससुरा तुम्हारा रिश्तेदार, इसको तो माय नेम इज सनलाइट, माय फादर्स नेम इज मूनलाइट, के अलावा अंग्रेजी कुछ आता ही नहीं है। पूछो ससुर को आता है क्या? पूछो। सनलाइट बाबू, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गया हूँ। अरे चौधरी साहब, ठाकुर साहब सच कह रहे हैं, हम कोई सनलाइट बनलाइट नहीं है, हम कोई बंटी बंटी भी नहीं है, हम तो पास के गांव झंडूपुर के फकीर चंद के लौंडे होशियार चंद हैं। देखा देखा, इस ससुर है झंडूपुर का निकला है, वो बता रहा था कि मैं मुंबई से आया हूँ। और तुम क्या समझ रहे थे हो चौधरी, कि बंबई से आया रिश्तेदार, रिश्तेदार से अंग्रेजी सीखो हैं? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ सनलाइट बा, आई मीन मेरा मतलब है होशियार चंद, तुमने हमारा खेत भी बिकवा दिया, अब तो पंचायत बैठेगी हमारे घर पे, हाँ तो भाइयों, इनके भाइयों, सटा, हमने तुम लोगों के तर्क और कुतर्क सुने। चमेली जी, क्या तर्क और वितर्क होता है? सटा, यू नहीं समझदार होते तो ई होशियार चंद तुम लोगों को होशियारी नहीं दिखा सकता था। मुझे तो पहले इसमें शक था। सरपंच जी, चौधरी जी, ठाकुर जी, हमको माफ कर दो, हम आज के बाद कानों को हाथ लगाते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं हम आज के बाद ऐसा कोनो काम नहीं करेंगे, हम ई गांव में तो का अपने गांव में भी नहीं जाएंगे। अबे होशियार चंद है, और सन की बुझी हुई लाइट, चुप रहे। देखिए सरपंच जी, आप इसकी कोनो बात मत सुनिएगा, हाँ आप आपका फैसला सुनाइएगा, इसको ससुर को फांसी पर लटकाइए। नहीं, उससे पहले इसका सर मुंडवा कर, इसके मुंह पर कालिक पोत कर, इसके सर पर चूना लगवा कर, गले पर बिठवा कर, गांव के किनारे ले जाकर इसे फांसी चढ़ा देना चाहिए। ये ठीक है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, जितना दोषी ये है ना, उतना ही दोषी तुम दोनों भी हो, इसलिए जो सजा इसे मिलेगी वही तुम दोनों को मिलेगी। अरे जितना लालची वो है उतने ही लालची आप लोग भी हैं। चंचल, नहीं, एक बार जब चमेली जी ने फैसला दे दिया तो बस दे दिया। ठाकुर साहब, आप तो बहुत खुश हो गए मैडम। कैसे हैं आप लोग? मैडम, हाउ मदर जुअर इज मैडम, हाउ इज योर मदर, ऐसे पूछते हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, और बहुत खुश है कि मैं आप लोगों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। हम भी आपकी मम्मी से मिलेंगे शहर चल के। जी जरूर, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों का टेस्ट इसलिए लिया था क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी सिखा रही हूँ वो आप सीख रहे हैं
या नहीं? अच्छा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग जितना बात करने में माहिर है ना, उतना पढ़ाई में नहीं है। लेकिन मैडम, हमने तो सब सही लिखा था ना? जी हाँ चमेली देवी, देखा आपने सही लिखा था, लेकिन आपके सारे स्पेलिंग्स गलत थे। मैडम, हमने कैसे लिखा था? आपने चमेली देवी की नकल उतारी थी। जो चमेली देवी ने लिखा था आपने वही लिखा था। तो क्या ना मैडम कि हम चमेली जी से बहुत प्यार करते हैं। नकची बंदर, बदतमीज। अच्छा मैडम ये बताइए, मैंने कैसा लिखा था? आपके भी स्पेलिंग्स गलत थे। क्वेश्चन था शरीर के 5 अंगों के नाम लिखे, राइट? हाथ को अंग्रेजी में HAND हैंड कहते हैं। हाँ? लेकिन आपने क्या लिखा था? HAINDA हैंडा लिखा था आपने। हमने तो हैंड ही लिखा था। हाँ। है ना? आपने हैंड को हैंड ही लिखा था, लेकिन सर को अंग्रेजी में हेड कहते हैं, HEAD। और आपने क्या लिखा था? HEDA हैडा लिखा था। मैडम, लेकिन चमेली जी तो फर्स्ट आई थी, वो ये गलत कैसे लिख सकती है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हो पाई नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। चमेली देवी ने ज्यादातर स्पेलिंग सही लिखे थे, इसलिए वो फर्स्ट आई है। देखिए मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि अगर अंग्रेजी में स्पेलिंग को बदलते हैं तो उसका मतलब भी बदल जाता है। अब जैसे ठाकुर सज्जन सिंह ने 5 जानवरों के नाम लिखे थे, गाय, भैंस, कुत्ता, सांड और बकरी। लेकिन मैडम हमने सही लिखा था ना? आपने भी जानवर का स्पेलिंग सही नहीं लिखा था। जैसे गाय को अंग्रेजी में कहते हैं काउ, COW, और आपने क्या लिखा था? CROW, क्रो। इसका मतलब है कौवा। ओ मैडम वो क्या हो, थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया होगा। अरे हाँ, गलती हो जाती है भाई, ये तो ऐसा ही हो गया कि भगवान को बनाना था गधा और भगवान ने इनको बना दिया इंसान। सज्जन जी आप भी कम नहीं है, आपने भी सब कुछ गलत ही लिखा था। अरे मैडम जी हमने तो सही लिखा था ना? जी नहीं, सांड को अंग्रेजी में कहते हैं बुल, BULL। और आपने क्या लिखा था? BELL। इसका मतलब है घंटी, बेल। पंडित है तो घंटी, घंटे के अलावा उनको घंटा थोड़े बुझाएगा। चुप रहो, अच्छा तुम। भालू को अंग्रेजी में कहते हैं बेर, BEAR। और आपने क्या लिखा था पंडित जी? BEER, बियर। अरे मैडम जी ये भी तो बियर पीते हैं माल निकाल के। अबे यार पंडित तू काय चुपड़ चुपड़ कर रहा है? तू देख तू। अच्छा बताऊं हैं? कल रात में इनकी गली से गुजर रहा था हैं? तब तोहार घर से हमको मछली का गंध आ रहा था। बकवास कर रहे, बता दिया। बकवास नहीं, मछली का नाम बताऊं? बताओ पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगता है आप लोगों का, बस बकबक करने में नंबर 1 है। ये एक नंबर। मैडम वो कहा कि ये लोग इंसान नहीं है, भूत हैं, भूत। आप हमको पढ़ाइए अंग्रेजी, हम पढ़ेंगे। अरे नहीं रुक 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 मैडम, अब वो भूत से याद आया, ये हमने देखा कि आप ये आप आते समय ये भूत की किताब लेके आई हैं। जी हाँ, ये घोस्ट स्टोरी की बुक है। मैडम घोस्ट मतलब भूत की कहानी? जी हाँ, भूतों की कहानी। लेकिन मैडम हमको पता नहीं था कि भूत लोग कहानी भी लिखते हैं। ले। भूत लोग कहानी नहीं लिखते, ये भूतों की कहानी की सीरीज है। अच्छा। आपको भूत की कहानियाँ बहुत है पसंद है? जी हाँ, मुझे भूतों के बारे में सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अरे हमारे गाँव में एक मौसी थी, वो भूतों की बहुत कहानियाँ कहा करती थी। एक बार तो हमारे मौसा जी को भूत ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? मैडम एक बार हमारे मौसा जी गेहूँ के खेत में पानी लगाने गए, उनका खैनी खाने को मन हुआ, उन्होंने वहाँ
वहां बैठ के खैनी बनाए, जैसा ही मुंह में डालने लगे जो से थप्पड़ लगा। फिर क्या हुआ? मंडा वो भूत था घोसा, उसने कहा कि हम सब से यहाँ बैठे हैं, तुम अकेले ही खैनी खा लोगे बदतमीज। कैसे कैसे मारे? अंश अंश मारे। अरे हम क्या आपके मौसा है क्या? अरे तुम हमारे मौसा नहीं हो, तुम मुंह झोंसा हो, मुंह झोंसा। लेकिन मारे कैसे, मारे कैसे? आई भी, आई भी। तो भूत खैनी भी खाते है? अरे मैडम आपको बताए, एक बार हमारे ताऊजी को भूत ने पकड़ लिया था और वो भूत शराब पीता था और 40 बोतल शराब पी गया था। जब उसकी शराब उतरी तब उसने हमारे ताऊजी को जाकर छोड़ा। अरे बाप रे। ओ, तो आपने भी भूत को देखा था? नहीं नहीं, लेकिन ताऊजी की कहानी सुनने के बाद हमें पता चला कि भूत होते हैं। लेकिन आपको भूतों की कहानी पसंद है ना? हाँ, मुझे भूतों की कहानी सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भूतों से मिलूं, मुझे भूतों से बहुत प्यार है। बाप रे। मैडम, किस प्रकार के भूतों से आपको प्यार है मैडम? भूत तो भूत होते, चाहे वो गोरे हो या काले, बस मुझे उनसे मिलना है। गोरा हो या काला हो, भूत दिल वाला हो। ये तो बहुत बहुत अजीब बात है भाई। क्या? अरे लोगों को तो भूत से इतना डर लगता है जैसे कोई पुलिस वाला दिख गया हो रास्ते में। अच्छा? अरे ये मैडम को देखो, इनको तो भूतों से लगाव है, प्यार है, ये कैसे हो सकता है? अरे ठाकुर साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस पचड़े मत फंसो कि जूलियट मैडम को भूतों से प्यार है कि नहीं है। आप तो ये सोचो कि अगर जूलियट मैडम को भूतों से प्यार है तो आप इस बात का फायदा कैसे उठा सकते हो? फायदा? फायदा मतलब हाँ, हम समझे नहीं। अरे ठाकुर साहब, इसमें समझने और समझाने की क्या बात है? अच्छा? बहुत बहुत सैंपल सी बात है कि अगर जूलियट मैडम को भूतों से प्यार है हाँ। तो अगर वो भूत को देखेगी तो वो खुश हो जाएगी, उसे अपनी बाहों में भर लेगी, उससे उससे बहुत सारी बातें करेगी, उसकी पप्पी नहीं लेगी। अरे ठीक है, बाहों में भर लेगी, लेकिन तो क्या भूत बन जाओ? क्या बोल रहे तुम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले मैं मर के भूत हो जाऊं, हैं? तब मैडम के मन में हमारे लिए प्यार उमड़ेगा। अरे जब हमारे मरने के बाद ही मैडम के मन में प्यार उमड़ेगा तो हमको क्या फायदा होगा रे? अरे ठाकुर साहब, सारे गांव वाले ठीक ही बोलते हैं, आपका घुटना आपके दिमाग में है। मेरा मतलब आपका जो दिमाग है ना वो घुटनों में है। क्या बोल रहे तू, क्या बोल रहे तू? अरे मैं ठाकुर साहब आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप सच में मर जाओ या सच में आप भूत बन जाओ। तो मैं तो आपको सिर्फ भूत बनने का नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ। नाटक? हाँ नाटक। इस नाटक में आपका साथ दूंगा मैं। मैं सारे गांव वालों को बोल दूंगा कि ठाकुर साहब मर गए। एक तो पहले पुलिस वालों पे लोगों का भरोसा कम है, वैसे तुम बोल दोगे वो लोग मान लेंगे हा? अरे लेकिन हमारे लाश का क्या करोगे? अगर वो कहेंगे दिखाओ तो कहाँ से लाओगे? अरे ठाकुर साहब, हमारा नाम भी क्या है? दरोगा दबंग पांडे। अरे हम सारे गाँव वालों को बोल दूंगा कि आप सैर करने गए थे पहाड़ी पे और हमसे बात करते करते आप चल रहे थे, अचानक उनका पैर पहाड़ी से फिसल गया और वो नीचे गिर गए जंगल में। जाओ जाके लाश को ढूंढ लो जंगल में है। अब तक तो ना जाने वो क्या होता है, वो भालू, शेर, चीता, बिल्ली, बंदर सब आपकी लाश को खा गए होंगे। कहाँ से लाओगे लाश? लेके आओ लाश, मर गए ठाकुर साहब, बताइए हो आप मर गए। चमेली देवी। यस मैडम। चौधरी ललन सिंह। यस मैडम। सुंदर। जी मैडम। शिवराम। आ गया हूँ मैडम जी। आ गए हैं तो बैठ जाइए। राम खिलावन। खड़ा हो गया मैडम। बैठ जाइए। ठाकुर सज्जन सिंह। अरे ठाकुरवा का नाम क्लास से कटा दो। क्यों? अरे आप देख नहीं रहे, दिन ब दिन उनकी लफंगेबाजी बढ़ते जा रही है, कितना अनडिसिप्लिन हो गया है। अनडिसिप्लिन? अरे नहीं नहीं, अनडिसिप्लिन नहीं होता, इनडिसिप्लिन होता है। हाँ वही 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 वही। अरे चौधरिया, आज टाइम
कैंप पे आ गए तो बहुत ही दुश्मन वाले बन रहे हो। हाँ देखो सरपंच जी, चौधरी साहब के बारे में ऐसी बातें मत करो। काहे? अरे जब रात में चौधरी साहब पी लेते हैं तभी टेम से नहीं आते हैं। नहीं रोजाना टेम से क्लास में आते हैं। बाप रे बाप, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चौधरी सिर्फ 3-4 रात ही नहीं पीता है। आप लोग शांत हो जाइए, ये क्लासरूम है। अरे पंडित जी, ठाकुर कभी भी टाइम पर क्लास में नहीं आता और उसके साथ साथ दबंग भी टाइम पर क्लास में नहीं आता, तो दोनों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं मैडम, हम तो कहते हैं कि चौधरिया को क्लास से बाहर निकाल दो। जब भी क्लास में आता है ना, अपनी जिम्मेदारी का रोब झाड़ता रहता है मुआ। देखिए शांत हो जाइए, क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा। ओके मैडम, हम आपको क्या बताएं, ठाकुर का बच्चा कह रहा था कि जूलियट मैडम को अंग्रेजी पढ़ाना आता ही नहीं है, इससे अच्छा अंग्रेजी तो हम पढ़ा सकता हूँ। नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि ठाकुर सज्जन सिंह ऐसा बोल सकते हैं। ये झूठ बोल रहा है क्या जे? हाँ जे। ठीक है, जब ठाकुर सज्जन सिंह क्लास में आ जाएंगे तो मैं पूछ लूंगी कौन सच है कौन गलत, वही फैसला हो जाएगा। ओके अब हम पढ़ाई करें। हाँ मैडम जी पढ़ाई। ये मैडम जी की पाठशाला।